गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, आज की क्लास में हम योग के दो आसन को परफॉर्म करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। इन आसन को परफॉर्म करने से पहले हमें जनरल वार्म अप एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, जो कि ऑलरेडी आपको उसका वीडियो गया है। उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आपको सबसे पहला आसन परफॉर्म करना है उत्कट आसन। उत्कट आसन परफॉर्म करने के लिए आपको मैट पे आना है स्टैंडिंग पोजीशन। नाउ नेक्स्ट आपको नीज को बेंड करना है, स्क्वाट पोजीशन में आना है। एक्ट करना है आपको कि चेयर पे सिट है आप, दोनों हैंड्स को अप करना है और होल्ड करना है इस पोजीशन को फॉर 15 सेकेंड। आफ्टर 15 सेकेंड बैक टू रेस्ट पोजीशन। उत्कट आसन को परफॉर्म करने से इट इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ टू द थाई मसल्स एज वेल एज। इनको उन स्टूडेंट्स को नहीं परफॉर्म करना है जिनके नी और बैक में प्रॉब्लम है। नाउ सेकेंड आसन इज दैट इज थर्ड आसन। थर्ड आसन आपको स्टैंडिंग पोजिशन से परफॉर्म करना है। दोनों लेग्स को शोल्डर लेवल ओपन करना है। ब्रिंग योर बोथ हैंड फॉरवर्ड। नाउ आपको दोनों हैंड्स के फिंगर्स को गैप को फुलफिल करना है विद फिंगर्स। नाउ विद इनहेल स्ट्रेच करना है दोनों हैंड को अप। टोस पे स्टैंड करना है आपको। होल्ड करना है इस पोजीशन को एटलीस्ट फॉर 15 सेकेंड। आफ्टर 15 सेकेंड बैक टू रेस्ट पोजीशन। थर्ड आसन करने से हमारे एंकल की जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है एज वेल एज हमारी बॉडी का बैलेंस इम्प्रूव होता है। इसको रेगुलर करने से हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है एज वेल एज इसको करने से हम फिट रहते हैं। आपको दोनों आसन को एटलीस्ट 3 टाइम्स परफॉर्म करना है। नाउ आज के क्लास के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद।